नमस्कार, खान पान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं जापान का फेवरेट स्ट्रीट फूड दोरायाकी, जिसे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। इसके लिए सामग्री 2 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 मिल्क पाउडर, अगर 400 ग्राम मैदा है तो 100 ग्राम मिल्क पाउडर। हम दूध की सहायता से इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हम दूध ऐड करेंगे। ज्यादा दूध हम इकट्ठा एक साथ नहीं डालना, अदरवाइज इसमें गुठलियां बन जाती है, लम्स पड़ जाती हैं। आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून शहद, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब हमारा ये पेस्ट तैयार है। एक पैन में हम इसको एक एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। एक मेजरमेंट का कप ले लें या कोई भी चम्मच या कटोरी, जिसकी सहायता से आप इसे डालें। अब देखिए, जैसे और लो फ्लेम रखना है हमें, इसमें हाई फ्लेम नहीं रखना। जैसे दिख रहा होगा कि आपको इसमें बबल्स आ गए हैं। बबल्स आना यानी जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो हमारा सिक गया है। अब ये दूसरा पार्ट है, यानी इसकी यही पहचान है, जब इसमें बबल्स आ जाते हैं तब हम इसे पलट लें। इस प्रकार से हमारा देखो अभी भी बबल्स आए हैं ऊपर, इसका अर्थ है इसे पलट लें। अब ये दूसरा पार्ट भी, कुल इनको बनाने में 3 से 4 मिनट लगता है एक दोरायाकी बनाने में, और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। फ्लेम को लो ही रखना है, हाई फ्लेम पर ये जल जाएंगे। और इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में ही इजीली बना सकते हैं। अब ये हमारी तैयार है। हमने इसमें मेल्टेड चॉकलेट भरी है, आप चाहे तो इसमें रेड बीन पेस्ट भी भर सकते हैं। और अब ये खाने के लिए स्वादिष्ट दोरायाकी तैयार है। अब हम इसे बीच में से काट कर देखते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है, आराम से कट रहा है, कितना स्पंजी बना है ये।